हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल रॉयल ऑर्बिट। किस लिए जा रहे हैं और वहां पर क्या सरप्राइज है आपके लिए, वो मैं सब आपको दिखा। तो गाइज, अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग रूम में जाएंगे, उसके बाद मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि यहाँ क्या होने वाला है, हम लोग किस लिए आए हैं। तो पहले चलते हैं रूम में। तो गाइज, हम जाने वाले थे रूम में, लेकिन रूम की जगह हम बाहर आ गए हैं, बिकॉज रूम हम अंदर एंटर ही नहीं हो पाए और बच्चे सारे बाहर गार्डन एरिया में आ गए हैं। बच्चों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग इन पर बिल्कुल शूट करता है। सारे बच्चे शैतानी करने में लग गए हैं। चलो आ जाओ, यूं ही नहीं, यूं भी चलो पानी। तो गाइज, हम लोगों का जो रूम है वो फोर्थ फ्लोर पर है। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा लग रहा है बाहर का देखने में। एंड हम लोग अभी रूम में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं थर्ड फ्लोर पर बहुत ही ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया बनाया है इन्होंने। काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइज, अभी मैं रूम पर हूँ, तो यहाँ पे हमारा लंच वगैरह आ रहा है। उसके बाद लंच करेंगे एंड फिर चलेंगे जहाँ पर तैयारी चल रही है, रैंप अप वगैरह होना है। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी, मेकअप वगैरह चल रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं वो सब मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। और अभी यहाँ पर देखो, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप दोनों? किसको फ़ोन कर रहे हो? और ठीक है गाइज, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं आपको रूम का एक बार टूर करवा देती हूँ, किस तरह से है ये रूम वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइज, मैं आपको रूम थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये रूम दिखाने के लायक नहीं रहेगा। गाइज, मैं आपको अभी व्यू दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से देखते। कैसा लग रहा है टिया? बहुत अच्छा लग रहा है। सोलर लगे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पिया कूल स्विमिंग पूल देखना। हाँ, लेकिन वहाँ पे इतने सारे नहीं आ सकते ना। गाइज, अभी हमारा खाना आ चुका है और हम लोग यहाँ पर अभी लंच करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जो तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं शो के लिए। और यहाँ टीजे भी खाने के लिए रेडी हैं, और टिया भी रेडी है ना खाने के लिए, और यूवी भी रेडी है ना यूवी। तो खाना स्टार्ट हो गया है अब। मम्मा सबको दे रही है खाना। तो गाइज, यहाँ पर अभी फोटो सेशन की तैयारी चल रही है, सेटअप तैयार हो रहा है, फोटो शूट होगा मॉडल्स का। उसके बाद शाम को हमारा इवेंट है, शाम को फैशन शो होगा। तो आप देख सकते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है फाइनली, और मॉडल्स रेडी हो रही हैं अंदर। कहाँ हो?
तो गाइज यहाँ पर अभी मॉडल्स रेडी हो रही हैं, मेकअप वगैरह हो रहा है, सारी मॉडल्स रेडी होके दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर में हमारा इवेंट है शाम को है, जो अभी फोटोशूट चलेगा, उसके बाद शाम को फैशन शो होगा। तो गाइज आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, एंड आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर सारे मेकअप प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से तैयारी चल रही है। और गाइज काफ़ी मेहनत लगती है फ़ोटोशूट वगैरह करने में एंड इस तरह के इवेंट करने में, तो सारी तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं, सब बहुत बिजी हैं। यहाँ पर मॉडल्स के हेयर स्टाइल कंप्लीट किए जा रहे हैं देन मेकअप के बाद। ओ माय गॉड, तो ये लोग क्या कर रही है वहां पे? मैं जा चुकी हूं, वो लोग वही कर रही है। वही कर रही है। अरे यार हम लोग बैठ गिर जाएंगे। हम लोग बैठ रहे हैं, तीनों को जाने दो ना। हां आप लोग बैठो, चलो हम लोग को 2 मिनट लगेगा। वीडियो कॉपी वाला भी तो बहुत परेशान होते हैं। देखा हो गया, हो गया ना? नहीं अभी नहीं, इससे तो वही करते जाएंगे, वही करते जाओ। तो गाइज यहाँ पर मॉडल्स ऊपर से रेडी होकर नीचे आते जा रहे हैं, उनका फोटोशूट स्टार्ट हो गया है। तो गाइज इस तरह के जो इवेंट होते हैं काफ़ी हार्ड वर्क होता है इनके पीछे, शूट्स के पीछे काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है। तो अभी ये फोटोशूट के बाद हमारा इवेंट है, तो उस इवेंट को आप बिल्कुल भी मिस मत करना गाइज, आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ इवेंट के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा जो फैशन शो है वो होने वाला है, तो मैं आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेके चलती हूँ। इसी के साथ ये परफॉर्मेंस से सिलसिला हमारा भी लगता है इतना ही था, लेकिन आप और एंजॉय करना चाहते हैं तो इन्हें अपने इवेंट्स के लिए जरूर याद कर सकते हैं। कमाई को सिर्फ विजय जी हैं, लेकिन विजय जी आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि आप उस मंच से होकर इस मंच पर आए हमारे टीम नेशंस प्राइड से। रिस्पेक्टेड सीईओ मैडम, आपका मैडम आपका सम्मान करना चाहते हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल जेस्चर ऑफ योर्स फॉर परफॉर्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे सभी गेस्ट को आपने लेके जाए और जो कलाकार एंट्री कर पर हमारी मॉडल्स बिल्कुल रेडी हैं बैक स्टेज, तो कुछ देर में ही शो स्टार्ट होने वाला है गाइज, तो आप शो को पूरा इन्जॉय कीजिए। तो मैं भी चलती हूँ, शो को इन्जॉय करूँगी मैं भी, मैं फ्रंट पर चलती हूँ स्टेज के, तो वहाँ से मैं आपको हमारे फूड कॉर्नर वाले भाई लोग जो हैं रॉयल ऑर्बिट की तरफ से फूड कूपन्स दिए जा रहे हैं वो, लेकिन थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा आप प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, ताकि हम इस राउंड को कंप्लीट कर सकें। हमारे साथ एजय भैया, नितिन जायसवाल जी जो
परेशान कर रहे थे, उन्हें गार्डन एरिया में जाना था खेलने के लिए, तो अभी मैं वहाँ उनको छोड़ कर आई हूँ। अभी मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ, वो खेल रहे हैं वहाँ पर।
वाओ, तुम कितनी अच्छी साइकिल चला रहे हो यूबी। ईवी यहाँ पर नाइट में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर काफ़ी सुंदर लाइटिंग वगैरह है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइस हम लोग भी अपना फ़ोटोशूट करवाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को दिन में टाइम नहीं मिला, इसलिए अब रात में करवाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिहाइंड द स्क्रीन शूटिंग किस तरह से होती है, क्या क्या सेटअप लगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेटअप लगा है, मस्तिन बैकग्राउंड है ये। यहाँ पर हम लोगों का शूट चलेगा, यहाँ पर पिक वगैरह क्लिक होगी, एंड यहाँ पर ये लग रहा है। आयुष भैया बताएंगे अम्ब्रेला है। ओके गाइज, ये पैराबोलिक अम्ब्रेला है जो कि हम शूट के टाइम लगाते हैं। हमने यहाँ पर 200 वॉट्स की लाइट है ये। तो यहाँ पर हमने 3 सेटअप लगाया है ना, 3 का सेटअप, 2 लाइट्स लगाई हुई हैं। अम्ब्रेला सॉफ्ट बॉक्स है। अच्छा, और ओके गाइज, ये अम्ब्रेला सॉफ्ट बॉक्स है, एंड ये है पैराबोलिक। ओके, तो मुझे तो नॉलेज नहीं है, तो भैया बताते जा रहे हो, मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। और ये लाइट, एंड गाइज एक ये लाइट है सेटअप, ब्यूटी डिश है ये। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का सेटअप तैयार है, फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से शूट वगैरह होता है। एंड यहाँ अभी रात हो गई है, इसलिए लाइटिंग थोड़ी कम है, और मैं डे का भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, नाइट का भी, तो आप देख सकते हैं। चल रहा है, एंड जो भी पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anshujaiswal04, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते कोई तो नहीं हैं रूम में। वहाँ पर भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। फेंक देना इसे, बाय।